ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल की तरफ से चांदनी। आज हम आए हैं ट्रामा सेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ट्रामा सेंटर के अंदर हैं और हम लोग आए हैं कैंसर पीड़ित लोगों की मदद करने। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा के आशीर्वाद से कुछ लोगों की मदद करने, वो भी सब बाबा के आशीर्वाद से जो कि हम कर पाते हैं। और हम उन लोगों को ये चीज़ें देंगे जिनके नोज टूट लगी है और जो कैंसर पीड़ित से ग्रस्त हैं। तो आप लोग निकलिए अपने घर से, ये अच्छा और नेक कार्य करिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस बीमारी में लोग अपने घर परिवार से दूर रह के यहाँ कितने महीने तक पड़े रहते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, इंसान की मजबूरी रहती है। जो इंसान आके अस्पतालों का चेहरा देखता है, अपने बीवी बच्चे घर परिवार छोड़ के, इस वजह से आप लोग आइए और ये अच्छे और नेक कार्य करिए, क्योंकि ये सब काम करने से आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों की मदद भी हो पाएगी। इसलिए अब हम एक भैया को देख रहे हैं जो यहाँ पे काफ़ी दूर पे हैं, पर दरअसल वो यहाँ तक आ नहीं सकते हैं, बार बार उनकी हालत काफ़ी सीरियस है, तो इसलिए हम लोग जाके उनको ये दे कर आते हैं। दरअसल जो भैया के कैंसर है वो इस समय यहाँ पे है नहीं, दरअसल उनकी सिकाई का टाइम है, तो यहाँ पे नंबर लगता है तब जाके जो है इंसान की सिकाई हो पाती है, जहाँ पे भी उसको कैंसर की दिक्कत होती है, इस वजह से उनकी तरफ से ये आई है। वो कौन है आपकी? उनका अच्छा, ये उनकी वाइफ हैं और वो भैया के कैंसर है, तो उनकी तरफ से उनको हम दे रहे हैं। और आप यहाँ कब से है? होएगा 15 दिन से ऊपर होएगा, आज 4 सितम्बर महीना। अच्छा, आपको 7 महीना हो गया? हाँ, हमें चला तो सीधे सालों होएगा, लेकिन 3 महीना से नहीं सूखी रही है। चलिए ठीक है, बाबा के आशीर्वाद से बाबा अच्छा कर देंगे भैया को। बहुत हाँ, प्रार्थना कि बाबा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप, आपके भी हस्बैंड है, उनको कहाँ पे कैंसर है? मतलब वो बस उनको दिखा के भैया को। और आंटी, आप कब से यहाँ ड्रामा सेंटर में? हम आपकी है? हाँ, अच्छा, ये हुआ था तो अभी सिकाई का ही आपकी चल रही है? सिकाई के लिए आए हैं। और आपके भी हस्बैंड के? 7 महीने से। 7 महीने 2023 में हमने एडमिशन करवाया दवा के लिए, अब तो मतलब 14-24 लगते हैं। तो भैया को पहले से ठीक है भैया? सब अच्छा कर देंगे बाबा। भगवान परीक्षा तो बहुत लेते हैं, पर ज़रूरी है कि हम लोग उनका साथ ना छोड़े, अपनी हिम्मत बनाए रखें, तभी तो सब अच्छा होगा। अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? लगाए हाँ, हिम्मत ही हिम्मत, अगर हिम्मत टूट जाएगी ना तो इंसान वैसे ही बिखर जाएगा, इसलिए हिम्मत को बना के रखा करिए। जी हाँ, एक बार आप पूछ भी लेना ठीक है, क्योंकि शुगर फ्री भी होता है ना कभी कभी पैसे, तो इसलिए एक बार कंसल्ट कर ले। वैसे ये तो बाकी आपकी चीज़ें काम ही की हैं, एक बार इसके लिए आया जाता है ये, चाहे आप तो कंफर्म कर लेना। हाँ, हम लोग फिर आएंगे, आप लोग परेशान हो, हम लोग जल्दी जल्दी आते रहते हैं, बस यहाँ क्या अकेले पड़ जाते हैं, हम भी हमारी छोटी। हाँ, भेज दीजिए भेज दीजिए। आप लोग ने देखा है जितने लोग थे, हमने उन लोगों को जो है कैंसर पीड़ित लोगों को ये सामान बांट दिया है, 5 लोगों को हम लोग ने ये बांटा है। अभी भी 3 हमारे पास रखे हैं, क्योंकि और लोग अभी हैं नहीं, क्योंकि वो सिकाई के लिए गए हैं। तो हम लोग ने तो इस गुरु पूर्णिमा पे अच्छे और नेक कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग भी अच्छे और नेक कार्य करिए, अपने घरों से निकलिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए। ताकि आप पहली बात तो ये सोचिए कि आपको भगवान ने मांगने वाला नहीं देने वाला बनवाया। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि बोले किसी को अच्छा नहीं लगता किसी के आगे हाथ फैलाना, कोई गरीब है कोई जो है अमीर है, इसलिए आप लोग अगर भगवान ने उस आपको उस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सको, तो ज़रूर ये काम करिए ज़रूर, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी जो
लोगों की सेवा होती है, किसी को आप कुछ कर देते हो कहीं, तो ये सब जो उनके दिल से दुआ निकलती है ना, वो आपके परिवार वालों के ज़रूर काम आती है, आपको हर दुख मुसीबत से बचाती। तो इसलिए आप लोग भी ये अच्छे और नेक कार्य करिए और इस गुरु पूर्णिमा पे बाबा का आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा और सब और अच्छे और नेक कार्य करिए, बाबा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ओम साई राम। ये आंटी है, इनको भी कैंसर की दिक्कत है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हेयर भी कम है और बारिश भी होने लगी है, तो आप लोग भी आइए और लोगों की मदद करिए जितना हो सके आप लोगों से। कल फिर आएंगे आपको दिया जाएगा। ये मिल्क पाउडर है, दूध पानी, हाँ ये सत्तू है, ये बिस्किट है।